तो ये हम लोग आए हैं, एक इलाहाबाद का अननोन डेस्टिनेशन है, उसका नाम है ऋषि आश्रम। और ये इस साइड से उस साइड जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये बाइक खड़ी है, ये बाइक को हमको उस सामने स्टीमर आ रहा है उसमें लदा के उस साइड जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कितनी खूबसूरत लोकेशन है। तो इस सैटरडे को इलाहाबाद को लोकली एक्सप्लोर करते हुए हम और मेरा भाई। ये हम लोग स्टीमर आ रही है, इसमें बाइक लदा के हम लोग दूसरे पार जाएंगे। देख सकते हैं स्टीमर, जगह इलाहाबाद में ही है, बहुत छिपी हुई जगह है, इलाहाबाद के पास में ही है, बहुत ज्यादा आधे घंटे का रास्ता है। कम पानी होने की वजह से स्टीमर कहीं रास्ते में ही फंस गई है, जिसको आने में टाइम लग रहा है। यमुना नदी पार कराने का स्टीमर का किराया है 30 रुपए पर पर्सन और गाड़ी का किराया है 30 रुपए पर पर्सन। यहाँ के लोकल यमुना जी के दूसरी पार जाने के लिए रोज इसी फेरी का यूज करते हैं, जिसमें उनको 1 से 2 घंटे केवल यमुना पार करने के लिए देने पड़ते हैं। ऋषि आश्रम पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले प्रयागराज से कौशाम्बी तक बाई रोड, फिर कौशाम्बी से यमुना पार करने के लिए फेरी का यूज, फिर यमुना पार करने के बाद वापस रोड का यूज, जो कि सीधा जाती है ऋषि आश्रम के लिए। ऋषि आश्रम राम जी के वन गमन मार्ग और एएसआई की एक पुरातात्विक लोकेशन भी है। ऋषि आश्रम शिव जी का प्यारा सा बहुत मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट भी है साथ ही में। ये जगह बारिश में बहुत खूबसूरत हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि ये जगह जगह झरने बन जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। तो ये बारिश के लिए इलाहाबाद वासियों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, पिकनिक प्लेस। ये ऋषि आश्रम में ही शिव जी का एक पुराना सा मंदिर है। घंटी जा रही है, ये बात करता हूँ। ऋषि आश्रम में बिल्कुल भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है और बारिश का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है। तीस किलोमीटर में घूरपुर है और ये पहाड़ी एरिया है, देख सकते हैं आप, तो मंदिर है। हमें कहाँ खत्म, रास्ता कहाँ है? बारिश के लिए बहुत खूबसूरत लोकेशन है हर तरफ की। तो
पहाड़ी क्षेत्र।